इस वीडियो में हम आज दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण 12 मार्च 2018 का विश्लेषण करेंगे, जिसके अंतर्गत इसके प्रमुख हेडलाइंस का हम जिक्र करेंगे और ये आपके आने वाले करंट अफेयर्स के लिए लाभदायक होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरा नाम है आरबी राजू और आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल ई लर्निंग क्लासेज में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आजीवन सत्ता में रहेंगे सी चिनफिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने एक बड़ी बदलाव की है जिसके तहत वो आजीवन चीन के सत्ता में प्रमुखता से छाए रह सकते हैं। तो देखते हैं आज का न्यूज़। चीन में एक दलीय राजनीति में बड़ा बदलाव किया गया है। देश की रबर स्टाम्प संसद ने उसे ऐतिहासिक संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे राष्ट्रपति सी चिनफिंग दो कार्यकाल पूरा करने के बाद भी आजीवन सत्ता में बने रह सकते हैं। 64 वर्षीय चिनफिंग इस महीने दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल की शुरुआत करने वाले। वो सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC और सेना के प्रमुख हैं। सी हाल के दशकों में चीन के सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं। वह पार्टी के संस्थापक माओ ज़ेडुंग के बाद ऐसे पहले चीनी नेता हैं जो आजीवन सत्ता में बने रह सकते हैं। लेकिन ऐतिहासिक संविधान संशोधन को मंजूरी देते वक्त देश की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस NPC रबर स्टाम्प बनी रही। आमतौर पर वो सरकार के मन मुताबिक वोटिंग कर CPC के प्रस्तावों को नियमित मंजूरी दे देती रही है। ऐसे परे वोट संसद ने संविधान के ऐतिहासिक संशोधन कर देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम 2 कार्यकाल के अनिवार्यता की दशकों पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया। NPC में प्रस्ताव के पक्ष में 2,958 वोट पड़े, जबकि 2 वोट विरोध में और 3 सांसद अनुपस्थित रहे। विरोध में भी 2 मत सरकार की परोक्ष अनुमति से ही पड़े ताकि विविधता की झलक दिखाई जा सके। रविवार के हुए मतदान में NPC के मतपत्रों का उपयोग किया, जबकि हाथ उठाकर सहमति जताने या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का विकल्प था। NPC ने एक और संवैधानिक संशोधन को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत समाजवाद पर सी चिनफिंग के विचारों को देश के संविधान में शामिल किया जाएगा। 1954 से अब तक देश का पहला संविधान 1954 में प्रभावी हुआ था। मौजूदा संविधान 1982 में प्रभावी है और अभी तक इसमें 1988, 1993, 1999, 2004 और 2018 में 5 बार संशोधन हुए हैं। देखते हैं इससे जुड़े मुख्य संविधान संशोधन के क्या मायने हैं। तो चीन में 1949 से लागू एक दलीय प्रणाली में सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है, जो हाल ही में सी चिनफिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने किया है। चीन इसी के साथ एक दलीय राजनीति वाले देश चीन में तानाशाही से बचने के लिए CPC द्वारा पालन की जा रही सामूहिक नेतृत्व प्रणाली खत्म हो गई है। अब चीन में सत्ता को एक दलीय से प्रणाली से एक नेता के शासन की ओर बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। अगले कुछ दिनों में सभी बड़े सरकारी पदों पर नए नाम आ सकते हैं। समूची चीनी सरकार बदल सकती है। नए बदलाव से पूरी दुनिया चिंतित है। सी का सत्ता में बने रहना भारत के लिए खास तौर पर महत्व रखता है, विशेष रूप से पिछले 73 दिनों तक चले डोकलाम गतिरोध की पृष्ठभूमि में। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। संघ ने कहा अयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा। देखते हैं इससे जुड़ा क्या अपडेट है। सहमति बनाना कठिन लेकिन कोर्ट से पक्ष में फैसला आने की उम्मीद, ऐसा जोशी ने कहा। मनमोहन वैद और मुकुंद राव बने सह सरकारवाह RSS के। देश के 1765 सांसद विधायक दागे, राजनीति की साफ सफाई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया ब्यौरा। दागी माननीयों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, तमिलनाडु दूसरे और बिहार तीसरे नंबर पे। पूरे देश के उच्च न्यायालयों से एकत्र किए गए हैं आंकड़े। दागी जनप्रतिनिधियों पर कुल 3,045 मामले दर्ज। हलफनामे में 28 राज्यों ने दाखिल किया ब्यौरा। देखते हैं माननीय के अपराध का लेखा जोखा। राजनीति को अपराध मुक्त बनाने की उम्मीद को धाराशाही करता दिखता है। देश भर में 1,765 सांसदों और विधायकों के खिलाफ 3,045 आपराधिक मुकदमे लंबित। दागी माननीयों के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है, जबकि तमिलनाडु दूसरे नंबर पर और बिहार तीसरे नंबर पर है। ये आंकड़े केंद्र सरकार ने देश भर के हाई कोर्टों से एकत्र करके सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं। वैसे कुल आपराधिक मामले 3,816 थे, जिनमें से 771 का निपटारा हो चुका है। केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पेश किए हैं।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है वह 2014 के नामांकन भरते समय आपराधिक मुकदमा लंबित होने की घोषणा करने वाले विधायकों और सांसदों के मुकदमों की स्थिति बताए। सरकार बताए कि इसमें कितनों के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के 10 मार्च 2014 के आदेश के मुताबिक एक वर्ष के भीतर निपटाए गए हैं, इसके अलावा कितने मामलों में सजा हुई और कितने बरी हुई। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी पूछा था कि 2014 से 2017 के बीच कितने वर्तमान और पूर्व विधायकों एवं सांसदों के खिलाफ नए आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, उन मुकदमों को निपटारे का भी ब्यौरा दिया जाए। कोर्ट ने ये निर्देश भाजपा नेता और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर दिए थे। याचिका में सजायाप्त जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाने की मांग की गई है। मौजूदा कानून में सजा के बाद जेल से छूटने के 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने की अयोग्यता है, इसके बाद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नहीं भेजी सूचना। केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को दाखिल हलफनामे में कहा गया कि कोर्ट के आदेश पर आंकड़े एकत्र करने के लिए उसने राज्य सरकारों, हाईकोर्टों, राज्य विधानसभाओं और लोकसभा राज्यसभा सचिवालयों से इसकी सूचना मांगी थी, जिसमें 23 हाईकोर्टों ने, 7 विधानसभाओं और 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने ब्यौरा भेजा है। केंद्र ने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय का कहना है कि उसके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, गोवा और मणिपुर विधानसभाओं ने भी इस बारे में सूचना न होने की बात कही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस सूचना नहीं भेजी है, इसलिए महाराष्ट्र के माननीयों के आपराधिक मुकदमों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि इस बार में हाईकोर्टों से प्राप्त जानकारी सबसे ज़्यादा प्रामाणिक लगती है। देखते हैं अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। मोदी ने दिया परिवर्तनीय ऊर्जा बनाने का दोगुना लक्ष्य। ISS सम्मेलन, कहा भारत 2022 तक 175 गीगावाट परिवर्तनीय ऊर्जा बनाएगा। सम्मेलन में शामिल हुए 23 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एवं 10 देशों के मंत्री।